हाँ बताइए भाई, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं? अभी हाँ आधार स्लिप है मेरे पास, हाँ इन्वॉल्वमेंट स्लिप। वाइस सर्टिफिकेट हाँ है, एसडीएम आदेश है, एसडीएम, हाई स्कूल की मार्कशीट, एसडीएम आदेश जो है वो ऑनलाइन बनवाया है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन बनवाए। तो ये कहाँ से कैसे मतलब बनाए? ये जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था ना, हाँ हाँ तो वहीं से मिला है, वो नगर पंचायत से मिला है। नगर नगर पंचायत। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपने पहले बनवा लिया पंचायत था? तो बर्थ सर्टिफिकेट आपने पहले बनवा लिया? जी बर्थ सर्टिफिकेट पहले बनवा लिया था, इसके मॉडल उन लोगों ने दिया नहीं, हाँ फिर अभी बोला उनसे कि जरूरत है तो दिया उसकी फोटो कॉपी। फोटो कॉपी दिया है। ओरिजिनल तो अपने पास रखते हैं, बोले थे प्रूफ प्रूफ चाहिए हमें। ये बताइए कि आपके ये पास बताइए कि आपके पास एसडीएम आदेश है ऑनलाइन एसडीएम जन्म आदेश प्रमाण है और पत्र, ठीक जन्म है, प्रमाण पत्र है, ठीक है, आधार कार्ड अपना आधार कार्ड अपना और अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और वो क्या बोलते सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निवास और निवास बनवा लेना, ठीक है, बनवा लेना, ठीक है, अपॉइंटमेंट वहीं से ले लेंगे, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट वहीं से ले लो या यहीं से आप ले लो जैसा वहीं बन से ले जाए, लो ठीक या है। यहीं से अगर आप आप ले लो 11 जैसा बजे से बन पहले पहुंच सके, जाएंगे तो अगर आप अपॉइंटमेंट की 11 ज़रूरत बजे से नहीं पहले पहुंच पड़ेगी। जाएंगे तो अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना आप मतलब सब बनवा लेंगे, अब वहाँ पे जाना जैसा आपको दिखाया था फिर अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं सर, तो ये जमा कर लेंगे या दे देंगे वापस ये आदेश सर जो, इसकी इसकी फोटो फोटो कॉपी, कॉपी इसकी ऑनलाइन फोटो एसडीएम आदेश कॉपी जो है, ऑनलाइन एसडीएम आदेश जो इसकी फोटो कॉपी है, करवा इसकी लेना, फोटो वरना वो कॉपी लोग करवा जमा कर लेना, लेंगे, वरना वो ठीक लोग है। जमा कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपको मेल करना पड़ेगा अच्छे से, कोई अच्छे मोबाइल से फोटो खींच के एकदम क्लियर तब मेल करना। अपने मोबाइल से इसी से करना पड़ेगा, आप इसी से कह देना, आप आपके इसी से फोटो कह अच्छे देना, आने चाहिए, फोटो ठीक है उसमें, आने चाहिए, ठीक है उसमें, और चारों कोने और दिखने चारों चाहिए, ये कोने ना हो दिखने कि चाहिए, ये ना हो कि कट गया कोई कोना, कट कट गया गया कोई कोई कोना, कोना कट सही गया नहीं है तो फिर कोना आपका सही है, फोटो नहीं है रिजेक्ट हो जाएगा। मेल अच्छे से करना है, हाँ अच्छे से, और वहाँ पे जब आप हाँ अच्छे अपडेट से, कराने और वहाँ जाना पे तो तो आप अपडेट अच्छे से कराने हाथ धुल जाना, लेना, मुंह तो धुल अच्छे से लेना, हाथ आंख धुल धुल लेना, लेना, मुंह क्योंकि धुलना, आपके हाथ जो फिंगर फिंगर लेना, लिए क्योंकि जाएंगे आप अगर अगर वो वो सही फिंगर नहीं लिए आएगा जाएंगे तो फिर और आपका आप वो अपडेट सही नहीं नहीं होगा, आएगा ठीक तो फिर आपका अपडेट नहीं होगा, है। तो यहाँ पे जब आप जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन लेने गए थे तो वहाँ पे क्या बताया था? ऑनलाइन लेने गए तो उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र पहले दे दिया था, वो नहीं दिया आदेश नहीं दिया था, तो अभी मतलब नगर के अध्यक्ष रहते हैं चेयरमैन, उनसे बोला तो उन्होंने कहा जब जाके दिया। अच्छा, नहीं तो चेयरमैन अच्छा, नहीं से आप तो कैसे चेयरमैन मिले? से आपको कैसे मिले, वो यही मतलब नगर के अध्यक्ष रहते हैं तो उनके पास गए, बोला हम लोगों ने ऐसी परेशानी है, उन्होंने बोल दिया वहाँ दे दिया, इसलिए पैसे वैसे को ले गया? पैसे नहीं लिए, पर 2 दिन परेशान जरूर हुए, 2 दिन बैठी रही, एक दिन गए थे तो दूसरे दिन दिया, अच्छा, एक दिन बैठे रहे उसके बाद दूसरे दिन दिया। तो ये जो चेयरमैन है ये कहाँ पे मिलेंगे? वो नगर का होता है चेयरमैन, अध्यक्ष होता है ना, टाउन होता है ना, गांव का हाँ। चेयरमैन होता है, जैसे आप गांव से थे तो जैसे आप आप वहाँ पे जब गए तो आप किसी वहां वकील से पे जब बात की गए होगी या डायरेक्ट चले गए, किसी किसी ने से बताया बात होगा होगी या आपको? डायरेक्ट चलेगा, किसी ने बताया होगा आपको, हाँ वकील से बात की, पूछा हम लोगों ने बताया कि वहीं से निकलवा लो, रास्ता बन जाए तो इसे कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्या चीज? क्या चीज मतलब यहीं से ले लो, अगर नगर पंचायत से मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, जो इन लोगों से बोला उन्होंने,
अच्छा थोड़ा सा मोबाइल नीचे करिए, आपका फेस आना चाहिए। इसका जो है एसडीएम की मोहर नहीं लगी, वो क्या जरूरी है लगवाना? अगर एसडीएम आ गए मोहर, क्यों मोहर क्यों नहीं लगी? जब उन्होंने एसडीएम आदेश दिया तो मोहर क्यों नहीं लगी? हाँ तो सिग्नेचर है उनके, साइन है, मोहर तो उसमें लगी है, मुझे तो दिख रहा था। मोहर और किसी का है, मेरे वाले में नहीं लगी, तो वो जाना है आज कैसी लगा। दिखाओ दिखाओ, आपके पास यहाँ पे है? अच्छा साइन है, मोहर नहीं लगी है, तो आपको जाएंगे मौलान, मोहर लगेगी। हाँ मोहर लगवाना पड़ेगा आपको। हाँ तो तहसील जाएंगे आज लगवाएंगे। हाँ हाँ वहाँ जाइए, तहसील जाइए और वहाँ पे आप लगवाइए, ठीक है? अगर बिना मोहर के मत जाना, वरना आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। ठीक है आज जाएंगे मोहर लगवा के, शाम को जाएंगे, कल पहुँचेंगे। क्या वहीं मिल जाओ गोमती नगर में? हम गोमती नगर में मिलेंगे भाई आपको, वो भी गोमती नगर में, जब यहाँ गोमती नगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हम मिलेंगे। हम वहाँ ऑफिस में नहीं मिलेंगे। चारबाग से कितने दूर पड़ता है गोमती नगर? चारबाग से होगा मान के चलिए 7-8 किलोमीटर के आसपास, 8 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर। देखो वैसे तो वही काम हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आएंगे। एक यहाँ पे भी ऑफिस है, 2 लखनऊ में ऑफिस है ना? हाँ एक विभूति खंड है, एक रतन स्क्वायर। हाँ तो जहाँ पे हम रहते हैं तो हमारे पास में है, विभूति खंड एकदम हमारे पास में। तो अगर आप विभूति खंड से करवाना चाहेंगे तो यहाँ से भी करवा सकते, आपका जहाँ से दिल बोलेगा। हाँ तो वहाँ से करवा लीजिए, और मुझे आपको जब पहुँचना तो कॉल कर लेना, ठीक है? आपके यहाँ से कितनी दूर है लखनऊ? यहाँ से है 300 किलोमीटर दूर। तो एक ही दिन में जाके लौट आएंगे? नहीं तो आज रात में बैठेंगे, सुबह पहुँच जाएंगे 10 बजे, करवाएंगे अपडेट, ट्रेन पकड़ेंगे 10 बजे, शाम को आ जाएंगे दूसरे दिन। अपडेट कराओगे शाम को फिर पकड़ोगे? अच्छा अच्छा, तो शाम को पकड़ोगे तो फिर सुबह में पहुंचोगे? अच्छा तो गोमती नगर वहाँ, सॉरी गोमती नगर आप आएंगे क्या? क्या गोमती नगर आओगे? देखो वही काम हो जाएगा तो किस लिए आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ पे अगर काम हो जाएगा तो नहीं आना, ठीक है? और वन आप सारे चीज अच्छे से लेके आना, मम्मी पापा का अगर वो आधार कार्ड होंगे वो भी रख लेना, ठीक है? क्योंकि इतनी दूर से आप आओगे, अगर कोई चीज उन्होंने मांग लिया आपके पास नहीं तो आपको वापस जाना बहुत फल जाएगा। हमने सारी चीज उसमें भेज दी, आपको भेजा था पहले, वो उतने सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बस उसमें क्या है ऑनलाइन एसडीएम आदेश और ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, दो चीज, ठीक है? ऑनलाइन होनी चाहिए, बस उतना ही होना चाहिए आपको, ऑनलाइन बस उतने डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, आप इतना काम कराइए, मोहर जाके लगवाइए, ठीक है? जैसा होगा फिर मुझे बता के जाना आप दिखा के।